इसी वीडियो में बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम पसलियों का जो पिंजर होता है उसका चित्र बनाएं। सबसे पहले हम खड़ी लाइन बनाएंगे, उसके दोनों तरफ ये गोलाकार लाइन, ताकि इसका शेप बहुत अच्छी तरह से बन सके। इस प्रकार से हम इसकी एक शेप में बनाते चलेंगे और यहाँ इससे हम 10 पसलियों को जोड़ेंगे, यानी 10 पसलियाँ जुड़ी रहती है और 2 पसलियाँ जो होती है वो मुक्त रहती है। ये तो पता होगा आपको कि कितनी पसलियाँ होती है अपने शरीर में, 12 होती है, इनमें से 2 पसलियाँ, सॉरी 2 जोड़ी, यानी 4 पसलियाँ मुक्त होती है। यहाँ पर ये पीछे की रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं अपन, तो ये अब इनको हम पसलियों को काट रही से पसलियों को जोड़ देंगे हम इसमें। इस प्रकार 10 पसलियाँ हमने बना दी। ये शेप जरूर बनाइए ताकि इसका शेप अच्छा रहे। अब ये 2 जो पसलियाँ, इनको मुक्त पसलियाँ कहेंगे अपन, इनको यहाँ से जोड़ देते हैं। तो कौन से नंबर की होती है मुक्त पसलियाँ? 11 और 12 नंबर की। अब इसके नाम लिख देते हैं यहाँ, इसके जितने भी अगर आपको और भी नाम याद हो इसके तो वो लिख सकते हो आप इसमें। इस प्रकार से सुंदर सा चित्र बन जाएगा, चाहे इसमें कलर भी भर सकते हैं हम ताकि और सुंदर दिख सके। इस प्रकार से अपना ये चित्र पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर ये चित्र आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।